नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत। जी हाँ साथियों, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? भाई जितनी देश की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से उसका पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से देश की कौन कितने पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं कुवैत से रिलेटेड, बात करेंगे और भी सारी कंट्री की बात करेंगे, कौन से पासपोर्ट से कितने देश में घुमा जा सकता है, कौन सी कंट्री वालों लोगों को। तो हम बात करेंगे कुवैत। जी हाँ साथियों, कुवैत का 57 देशों में स्थान हो चुका है 18वां। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं 171 देशों में 18वां स्थान कुवैत ने प्राप्त किया है, जो पिछले 10 सालों में 47 कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। यानी पहले 10 साल से धीरे धीरे पासपोर्ट बढ़ता जा रहा है, पहले बहुत डाउन था कुवैत का पासपोर्ट, लेकिन इन 10 सालों में 57 यानी लगभग 50 कंट्रियों को पछाड़ते हुए 18वें नंबर पे ये पासपोर्ट पहुंच चुका है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, इस कुवैत के लोग इस पासपोर्ट से 171 कंट्रीज में, जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिना वीजा, बिना ऑन अराइवल वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। उनको जरूरत नहीं होती वीजा की, लफड़े की, सीधा पासपोर्ट उठाए, टिकट बनाई और जा सकते हैं। जी हाँ, इससे पहले जापान 3 साल लगातार जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, पूरी और भी सारी बहुत सारी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, ये न्यूज मैं बता रहा हूँ 2020 के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से समझने में आपको आसानी होगी, तो आप देखते रहिए। जापान की बात करें तो साथियों, पहले 3 साल लगातार पासपोर्ट जापान का सबसे ज्यादा मजबूत था, जो 171 कंट्रीज में बिना वीजा के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन ITI के अन्य डाटा के आधार पर वो अप्लाई कर सकते थे बिना वीजा की जरूरत नहीं थी। दूसरा पासपोर्ट था सिंगापुर का 190 कंट्रीज में। जी हां साथियों, तीसरा पासपोर्ट था कोरिया, जर्मनी का तीसरे स्थान पे था 189 देशों में बिना वीजा के लोग सफर कर सकते हैं। जी हाँ, आगे हम बात करें यूरोपियन देशों में, तो बाकी में फिनलैंड, स्पेन 4 नंबर पे है, स्पेन, डेनमार्क 5वें स्थान पे है, स्वीडन और फ्रांस 6ठे नंबर पे है। जी हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन रैंकिंग नीचे जा रही है, अमेरिका और ब्रिटेन की। जी हाँ साथियों, जापानी पासपोर्ट धारक दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में घूम सकता है 165 से अधिक कंट्रीज में। बाकी अगर बात करें अफगानिस्तान की, जी हाँ साथियों, तो सबसे कम देशों में घूम सकता है, बिना वीजा के मात्र 26 कंट्रीज में वो बिना वीजा के जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं 2020 में सबसे ज्यादा पासपोर्ट अच्छे किसके रहे, जापान। जी हाँ साथियों, 191 जी हाँ 191 कंट्रीज में वो लोग सफर कर सकते हैं। सिंगापुर 190 देशों में लोग जा सकते हैं बिना वीजा के। दक्षिणी कोरिया के लोग, जर्मनी के लोग 189 कंट्रीज में, इटली, फिनलैंड के लोग 188 देशों में घूम सकते हैं, स्पेन, लक्समबर्ग, डेनमार्क 187 कंट्रीज में घूम सकते हैं, स्वीडन, फ्रांस 186 कंट्रीज में घूम सकते हैं, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया 185 कंट्रीज में घूम सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, ग्रीस, बेल्जियम 184 कंट्रीज में घूम सकते हैं, न्यूजीलैंड, माल्टा, चेक गणराज्य, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ 183 कंट्रीज में घूम सकते हैं, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, हंगरी 181 कंट्रीज में घूम सकते हैं। जी हाँ, इसमें अमेरिका और भी बहुत सारी कंट्री हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड या फिर ब्रिटेन और बहुत सारी कंट्री, यूरोपीय कंट्री है जो देखने में बड़ी कंट्री हैं लेकिन वो इतनी कंट्रीज में नहीं घूम सकते, उनको वीजा की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आप बाकी इंडिया की बात करें तो भाई लगभग 60 कंट्रीज के करीब, वो भी मेरे हिसाब से इतने लगभग आंकड़े हैं 60 कंट्रीज में, तो एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया के पास ही है कि वो इतनी कंट्रीज में बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।